आज ही हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कौवे देते हैं धन के और मृत्यु के संकेत, अगर ध्यान दिया जाए तो मिलता है खजाना। हिंदू धर्म में कौवे अपने आवाज के कारण अशुभ पक्षी माना जाता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में कौवे को यम का दूध भी बताया गया है। कहा जाता है कि कौवा यमलोक में जाकर पृथ्वीवासियों के विषय में यमराज को सूचित करता है, लेकिन वही शकुन शास्त्र के अनुसार कौवे को मनुष्यों का दूत बताया गया है। कहा जाता है कि यमराज के साथ साथ कौवा मनुष्य को भी शुभ और अशुभ संकेत की सूचना पहले दे देते हैं। आइए जाने कब और कैसे कौवे में ऐसी शक्ति होती है जो आने वाले समय को पहले से ही जान लेते हैं। हमारे पूर्वज कौवे के जरिए हमसे संपर्क करते थे और हमें आने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करते थे। माना जाता है कि अगर कौवे का झुंड आकर आपके घर पर बैठता है और आपस में लड़ने लगे तो समझिए कि घर के मालिक पर विपत्ति आने वाली है। दोपहर से पहले यदि पेड़ पर बैठे कौवे का स्वर पूर्ण या उत्तर दिशा में सुनाई दे तो आपका दिन अच्छा गुजरने वाला होता है। इसे पत्नी सुख का भी संकेत माना गया है। घर के छत पर आकर कौवा अगर दक्षिण की ओर मुंह करके बोले तो यह अच्छा नहीं होता। समझ जाइए कि घर के किसी सदस्य की मृत्यु होने का संकेत है। कहीं जा रहे हैं और कौवा अगर किसी बर्तन में पानी पीते हुए नजर आ जाए तो ये समझ लीजिएगा कि आपको धन लाभ होने वाला है, और आप किसी काम से कहीं जा रहे हैं तो वह काम आपका सफल हो जाएगा। अगर कोई कौवा मुंह में रोटी का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा लिए दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी व्यक्ति पर आके बीट करे तो यह शुभ माना जाता है। वहीं कौवा अगर किसी व्यक्ति के सिर पर आकर बैठता है तो उस व्यक्ति के बुरे दिन आ जाते हैं, और यह भी माना गया है कि उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है। अगर आप सुबह के समय कहीं जा रहे हैं और कोई कौवा उड़ता हुआ आकर पांव से स्पर्श कर जाए तो यह बड़ा शुभ शकुन माना जाता है। इससे जीवन में उन्नति मिलती है। यदि कोई कौवा सुबह सुबह व्यक्ति के आगे आकर लाल रंग की वस्तु डाल दे तो आप समझ लीजिए कि आपको जेल होने वाली है, यानी आपके साथ बुरा होने वाला है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।